फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक कप मैदे से आधा किलो मिठाई, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसी। तो देखिए ये गैस ऑन किया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। उस कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप घी। तो घी मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए आप देसी घी से ही बनाइए क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छी बनती है मिठाई। तो बस इसमें हमने एक कप भरकर मैदा लिया है, जिसका मैंने कप का मेजरमेंट लिया है, आप चाहें तो कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बस इसे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। तो करीबन इसे पकाने में हमें 9 से 10 मिनट लग जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे ही, और इसका कलर डार्क ना होने पाए, याद रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। और बस इसे अच्छे से पका लेना है। और ये पक गया ये जानने के लिए आप एक कटोरी में पानी लीजिए और 8 से 10 मिनट के बाद, और उसमें इसमें थोड़े से छींटे मारिए तो छनछन की आवाज़ आएगी, इससे पता चल जाता है कि हाँ हमारा मैदा पक चुका है। तो देखिए आवाज़ आती है और बुलबुले से उठते हैं। बस अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारा पक चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो एक कप चीनी लिया है, आप चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल हलवाई जैसी बनानी है तो बस उसी हिसाब से मैंने मीडियम मीठा रखा है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1.5 कप रख लीजिए। और आधा कप पानी डाल दिया है तो मीडियम फ्लेम पे इसे पहले हम अच्छे से गरम चीनी पिघलने देंगे। जब चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो चाशनी हमें एक तार की बनानी है। तो देखिए खोल रहा है, लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। तो ये देखिए ये एक तार की चाशनी जब बनने लगी तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और देखिए ये चाशनी रेडी है, और गरम गरम चाशनी हमें हमने जो मैदा का वो किया था ना तैयार किया था, अब उसमें हम मिलाएंगे। हमें हलवाई जैसी बनानी है तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मावा। मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर हलवाई इसमें मावा ऐड करती है इसलिए मैंने मावा डाला है। तो बस इसे अच्छे से, चाशनी इसमें गर्म थी, हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, गर्म गर्म चाशनी इसमें मिला देना है और इसे अच्छे से देखिए चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद हम आप इस मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल बंद ही रखनी है और अच्छे ऐसे ही मिलाते जाना है। गर्म ही चाशनी ये अच्छे से मिल जाता है। और बस आपको जिस थाली या ट्रे में बनानी हो उसमें आप डाल लीजिए। तो ये मैंने मिठाई का डिब्बा ही लिया है, इसमें नीचे से बटर पेपर लगा हुआ है। तो देखिए इसमें भी बड़े अच्छे से बन जाती है। अगर आप बर्तन में नहीं डालना चाहती हैं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। ये देखिए मैंने सारा डो इसमें डाल दिया है। अब इसे हम जमने के लिए 1.5 से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। बहुत जल्दी जम जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसे ठंडा होने दीजिए। ऊपर से इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स, आप जो भी डालना चाहते हैं। तो देखिए मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में, आप रूम टेम्परेचर भी इसे रख सकते हैं, ये आराम से जम जाती है। तो देखिए ये हम साइड के हटा देते हैं, और बस ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बर्फी जमकर रेडी है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, अगर आपने एक बार बनाया ना तो आप भी इसकी दीवाने हो जाएंगे। और देखिए कितनी ढेर सारी बर्फी बनकर रेडी हो जाती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये बर्फी बनकर रेडी हो जाती है। इसे आप मनचाहे आकार में काट लीजिए, आप जैसा चाहें इसे सजा भी सकते हैं चांदी के वर्क से या फिर ड्राई फ्रूट से, और जितना चाहें उतना डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स इसमें। देखिए मैंने ये काट कर आपको दिखाया है कितनी ज़्यादा टेस्टी हो, कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर आपने वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।